शांति, आज की तारीख है 7/11/2023, 7 नवंबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। मीठे बच्चे सावधान होकर बाबा की इस पढ़ाई पर, इस ज्ञान पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ऐसा नहीं करना कि हमारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से है, ये कहना भी देह का अभिमान है। ये पढ़ाई स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा के द्वारा पढ़ाई हुई है, तो बाबा कहते हैं इसको नहीं छोड़ना। प्रश्न है आज की मुरली से, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? भारत को अविनाशी तीर्थ स्थान कहा गया है, अविनाशी खंड बाबा कहते हैं क्यों? उत्तर, भारत शिव बाबा का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवताएं राज्य करते हैं। अब जितने भी अन्य देश हैं, बाबा कहते हैं वो तो विनाशी खंड है, उसमें भी आपस में जब इस नई सतयुगी दुनिया आएगी तो वो देश आपस में एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मार के सब क्या करेंगे, वो उनका विनाश हो जाएगा, लेकिन भारत अविनाशी खंड है। बाबा कहते हैं अविनाशी खंड में, इस भारत में ही सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवताएं राज्य करेंगे। उस समय भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में धीरे धीरे जब द्वापर युग शुरू हुआ, भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं, शिवालय भी अनेक बनाते हैं, तो उस समय भी तीर्थ हैं, इसीलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। गीत है आज की मुरली से, रात के राही थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कभी कभी क्या होता है कि सेंटर्स पर किसी को देखते हैं, या किसी बीके को देखा, किसी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को देखा, अगर उसकी चाल चलन नहीं अच्छी है तो उसको देखकर हमने भी पढ़ाई छोड़ दी। हमें कौन पढ़ा रहा है, हमें किसको देखना है, स्वयं को और शिव बाबा को। तो हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है, शिव बाबा समान निरहंकारी बनना है। दूसरा नंबर, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना, शिव बाबा का आज्ञाकारी होकर रहना। बाबा ने क्या क्या मत दी हमको आज, किसी से रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, देह अभिमान छोड़ना है, शिव बाबा समान निरहंकारी बनना है। तो ये हमारे बाबा की मत है, वरदान है आज की मुरली से, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप। अंत में बाबा कहते हैं जब अंत में फाइनल पेपर होगा तो उसमें क्या होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, हर बात में, कोई भी परिस्थिति हो और कुछ भी ना याद आए, बस शिव बाबा और मैं, तीसरी कोई बात नहीं, सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है लेकिन टिक जाए, हिले नहीं, क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसीलिए अभ्यास करो, जब विस्तार में आए तब समेट लें, ब्रेक पावरफुल हो। जब विस्तार में आए, कोई भी बात के बहुत विस्तार में आ गए, ऐसा क्यों क्या कैसे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठते जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उस पर ब्रेक लगाओ, उस पर फुल स्टॉप लगाओ। स्लोगन है आज की मुरली से, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं वह सदा निर्माण है, जिसे अपने स्वमान का निर्माण अभिमान नहीं है वही निर्माण है, माना सभी को मान देने वाली आत्माएं हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से शांति के वाइब्रेशंस इस पूरे संसार में फैल रहे हैं। एक मिनट के लिए उस शांति के सागर की याद में अपने मन बुद्धि संस्कार को स्थिर कर कर बैठेंगे। चले अपने पास स्वरूपों की ओर, अनादि स्वरूप में स्थित में आत्मा पहुँच गई परम धाम में, परमात्मा शिव से समस्त शक्तियाँ प्राप्त कर मैं आत्मा अपने प्रथम जन्म में सत्यों की ओर, संपूर्ण पावन देवता इस स्वरूप चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसे सत्युग त्रेता में किस जन्म लेने के बाद मैं आत्मा देख रही हूँ स्वयं को द्वापर में एक भव्य विशाल मंदिर में, वरदानी मुहूर्त में आत्मा सभी भक्तों को वरदान देते हुए पहुँच गई अपने ब्राह्मण स्वरूप में,
परमात्मा का अवतरण इस धरा पर संपूर्ण पावन में ब्राह्मण बन गया फरिश्ता स्वरूप। अब मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म बतन की ओर बाबा के समक्ष। बाबा ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाया, विजय माल पहनाई। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ओम शांति।